आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट। स्टेट यूनिवर्सिटी से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, आपको डिपार्टमेंट 64 वेरियस डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज, एडुकेशन, लाइक हमारे कुछ व्यूअर्स डिमांड करी थी उनको सोशियोलॉजी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स रिलेटेड पोस्ट चाहिए, तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो कि हम आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आए तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा। चलो आगे वीडियो में बढ़ते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। काफी अच्छी नोटिफिकेशन है, काफी ज्यादा डिसिप्लिन आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की डेट टाइम वेन्यू सब मेंशन कर रखे, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी पोस्ट है, प्लस यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन कितनी रहेगी, एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज फॉर ओपन कैटेगरी एंड 300 रुपीज फॉर SC ST OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पे करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं डिपार्टमेंट कौन कौन से है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो आपके डिपार्टमेंट रहेंगे इंग्लिश, हिंदी, लिंग्विस्टिक, फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेजेस, मराठी, पाली एंड प्राकृत, संस्कृत एंड उर्दू, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आपके डिपार्टमेंट रहेंगे अम्बेडकर थॉट, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, PG लॉ, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, नेक्स्ट आता है आपके साइंसेज में कितने डिपार्टमेंट रहेंगे, कौन कौन सी पोस्ट रहेगी। पीजी वाले स्टूडेंट्स को ये भी आपको पढ़ाना है तो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मेंशन कर रखी है, लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माग्नोसी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, जूलॉजी में आपको स्पेशलाइजेशन मेंशन कर रखी है एमिकल, एनिमल साइकोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, फिश एंड फिशरीज, ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, और अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के अंदर आपके डिपार्टमेंट बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। नेक्स्ट आता है फाइन आर्ट्स, लाइब्रेरी साइंस, मास कम्युनिकेशन, PG एडुकेशन एंड फिजिकल एडुकेशन के अंदर आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे। तो फाइन आर्ट्स रहेगा, फाइन आर्ट्स में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगी ड्रामा, इलस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफी, PG एडुकेशन, फिजिकल एडुकेशन, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एंड मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपके कुछ और डिपार्टमेंट्स लाइक एजुकेशन, लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आपके पर्टिकुलर इन कॉलेजेस से रिलीज्ड हुए हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन मेथड, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इंग्लिश, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और उसके अलावा कुछ आपको डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ के हैं लाइक सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंटर फॉर सेरिकल्चर एंड बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च, सेंटर फॉर सेरिकल्चर एंड बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च, राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, ये आपके पर्टिकुलर कुछ सेंटर्स के अंदर आपकी पोस्ट रिलीज हुई है। टोटल आपकी पोस्ट हो जाएगी 128। नंबर ऑफ पोस्ट आपको मेंशन कर रखी है कितनी पोस्ट रहेगी, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, आपको यहाँ पे डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है लाइक अगर आप कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड मास कम्युनिकेशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, डिसाइडेड आपको कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, PhD मैंडेटरी नहीं है, होगी तो आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए तो आप पे आप सब मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, इवन आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो फाइन आर्ट्स के लिए तो मास्टर डिग्री बिसाइड दिस कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके अलावा मेंशन कर रखिए फाइन आर्ट्स स्पेशलाइजेशन आपकी इलस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफी मास्टर डिग्री बिसाइड दिस एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इवन मुझे पता भी नहीं था कि इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं लाइक इलस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफी में। चलो कुछ नई चीज़ पता चलने को मिली। नेक्स्ट आता है आपके पास फार्मास्यूटिकल साइंस, यहाँ पे आप बी फार्मा के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट क्लास आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मेंशन करेगा लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर रहे हो तो BE/BTech के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, MA/MTech के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी पोस्ट रिलीज हो गया तो सैलरी स्केल आपका फिक्स रहेगा, 32,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी है।
आपको कैसे फिल करना है उसके लिए आपको परफॉर्म मिल जाएगा, आपको उसको फिल करना है। रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कर रखी है 5% की रिलैक्सेशन, मार्क्स रिलैक्सेशन है ये आपकी। एप्लीकेशन फीस वगैरह मैंने आपको बता दी है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस वगैरह मेंशन कर रखा है, डिमांड ड्राफ्ट उसके नाम पे लगाना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन कर रखी है, लाइक आपको अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस पर अपनी जो फोटोग्राफ है उसको स्टेपल मत करना, ठीक है। कोई भी ट्रैवल अलाउंस आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। सारे इंस्ट्रक्शन आपको मेंशन कर रखी है। लास्ट डेट ऐसे कुछ नहीं है आपको अप्लाई करने के लिए, डायरेक्ट आपको वॉक इन इंटरव्यू मेंशन कर रखा है, वो होगा आपका 6 से लेकर 12 अगस्त तक, और टाइम मेंशन कर रखा है, ठीक है। कौन से इंटरव्यू का, कौन से सब्जेक्ट का इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा उसके लिए यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एज वेल एज आपके कोई सजेशन है आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपकी क्वेरीज और सजेशन दोनों पर काम करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ। अच्छा उसके अलावा मैं आपको बताने भूल गई कि नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, सॉरी चलो नोटिफिकेशन बता देती हूँ मैं आपको कहाँ से रिलीज हुई है। रस्त सांत्र टुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट विजिट करा देती हूँ, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, इसको आपको इन्फोर्स पे ही आपको अपनी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी पोस्ट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको कब आपका इंटरव्यू से रिलेटेड भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो